0 = 1 आखिर होता क्यों है? हाँ इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला ये पता होगा कि a के पावर m बटा a के पावर n इक्वल टू क्या होता है, a के पावर m माइनस n होता है ना, सर a के पावर m n होता है। अगर कुछ भी अगर वैल्यू आप पुट करना चाहते हैं, जैसे a के जगह पर m बराबर n मानते हैं, सपोज कीजिए पुट करते हैं वैल्यू कि m बराबर n, तो अगर m के जगह पर n मानते हैं, जैसे a के पावर n बट्टा a के पावर n हो जाएगा ना, जहां m है वहां हम लोग क्या मान रहे हैं, n इक्वल में भी होगा a के पावर n माइनस n होगा ना। अब यहां पर देखिएगा, अगर हम लोगों को रहता था कि 7 = 7 तो हम लोग क्या करते, काट देते थे, यहाँ भी सेम है, कटने पर क्या हो रहा है, 1 बच रहा है ना, इक्वल में यहाँ कितना बच रहा है, 1 = 0, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 = 0 = 1, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, यही आपका प्रूफ हो गया।